10 अप्रैल 2019। जगह राजधानी का धर्माड़ा इलाका। घटना सनसिटी में मिली बुजुर्ग की लाश। धर्माड़ा के सनसिटी के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या हुई। हत्या को लेकर उसका पुत्र लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे हत्या के मामले का खुलासा किया तो रिश्ते तार तार हो गए। जी हाँ, इसके आगे की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आरोपी विशाल यादव ने बड़े ही शातराना अंदाज में बाप का मर्डर कर दिया। इसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस बुजुर्ग की हत्या हुई थी उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। धर्माड़ा पुलिस को लगा कि किसी गैंग ने लूट के इरादे से बुजुर्ग की हत्या की और फरार हो गया। मृतक के बेटे ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए ऐसा फरेब रचा कि पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने के लिए दूध वाले, सफाई कर्मचारी, परिजन, रिश्तेदार और मृतक के बेटे और उसके दोस्तों से खूब पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मौके के हालात लूट की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन बेटे का एक्स्ट्रा एक्टिव होना और उसकी दी हुई एक्यूरेट जानकारियों ने पुलिस के शक की सुई विशाल की ओर मोड़ दी। मृतक का लड़का है विक्की, विकास विशाल और विक्की, इसने एक रट पकड़ ली। सामने तो मेरी पत्नी और बच्ची और माँ के साथ निकला, इतने बजे आया, इतने बजे गया, वो फला फला जगह था, और वेरीफाई की तो उसके कथन सत्य पाए गए। लेकिन जब लगातार उससे पूछताछ करते रहे, उसके बयान रिकॉर्ड करते रहे, तो वो धीरे धीरे झटका खाने लगा। तो उससे थोड़ी सी बातचीत से सत्ता ही लाने के बाद वो टूट गया। हिसाब मैंने मेरे पिताजी का मर्डर किया। विशाल ने पुलिस को बताया कि उसका पिता उसके साथ सौतेला व्यवहार करता था, पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी मदद करने के बजाय दूसरे लोगों की वो ज्यादा मदद किया करता था। यही बात उसे काफी दिनों से साल रही थी, लिहाजा उसने अपने पिता का मर्डर कर दिया। इसका ये कहना है कि मेरे पिताजी ने जितना ध्यान मेरे कजन्स पे दिया है, मेरे कजन्स को आगे बढ़ाया है, उतना ध्यान मेरे पे नहीं दिया। मेरे पिताजी ने मेरी बहन को पढ़ाने लिखाने में ज्यादा ध्यान दिया, मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पिताजी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में मुझको संग नहीं लगाया और मैं अनअटेंडेड मेंबर की तरह फैमिली में रहा हूँ। बाप का कातिल बेटा तो अरेस्ट हो गया, लेकिन वारदात ने सामाजिक परिवेश में बढ़ रहे तनावपूर्ण माहौल के परिणाम हमारे सामने लाकर रख दिए। वारदात के बाद जब पुलिस ने पुत्र को गिरफ्तार कर लिया तो उसे भी इस पूरे मामले में अफसोस है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अपने पिता की ही जान ले ली थी और उसके लिए हमेशा के लिए एक धब्बा लग गया। बहरहाल पुलिस ने मामले में गहनता से जांच की और पुत्र को अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन सबक है हमारे समाज के लिए कि ऐसे रिश्ते कहाँ पर आज की स्थिति में जा रहे हैं। इनको सुधारने की जरूरत है कि भविष्य में इस तरह की हत्याओं को रोका जा सके। कैमरा पर्सन विकास के साथ शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर।